زبانی استقبال ہم ہمارے بچوں کے ذریعے کرا چکے ہیں, ان کا استقبال انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن جس مقصد کے تحت یہ پروگرام ہم نے رکھے ہیں اس کی رودات آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. موصوف کی حالات زندگی میں ہماری مینجمنٹ اور تمام طلبہ طالبات اور ان کی فیملی سے جڑے اراکین یہاں پر موجود ہے غفار سر کے, رودات اس طرح سے ہے کہ میں ان کی رودات الفت بیاں کروں تو کہاں سے پہلے. یہ میں نے ہمارے عبدال سر ان سے سیکھا, یہ شعر کہ میں ان کی رودات الفت بیاں کروں تو کہاں سے پہلے, ہر ایک قصہ یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے, ہر ایک قصہ یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. ہم اکثر تدریسی کتابوں, تاریخی کتابوں, اخبار ناموں میں ترقی یافتہ اور ماہر تعلیم کی سوال آیات پڑھتے ہیں. ٹی وی چینلوں پر بھی اپنے شعبے میں مہارت رکھنے والے اشخاص کی ڈاکومنٹری فلم تیار کی جاتی ہے اور وہ ہمیں بار بار دکھائی جاتی ہے تاکہ ہم ان کے کام کرنے کے طریقوں کو دیکھیں اور عمل کر کے ایک اچھے شہری اور ایک اچھے ہندوستانی بنیں. سامعین حضرات, آج ہم اس شخص کے حالات زندگی, تعلیمی سفر پڑھتے اور سنتے ہیں جس نے اپنی قابلیت کی بنا پر مراٹھی میڈیم کا طالب علم ہوتے ہوئے بھی اردو ادارے میں کامیاب 32 سال گزارے ہیں. جی ہاں پیارے طلبا, میں اپنے عبدال غفار سر کی بات کر رہا ہوں. آپ کی پیدائش 2 جون 1954 کو ہوئی. آپ کے والد کا اسم گرامی شیخ عبد الرزاق عبد الرحمان ہے جو پیشے سے ایک تلاٹی تھے. الحمدللہ ان کے والد کو بھی ریٹائر ہوئے 32 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی اپنے خاندان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان کا آبائی وطن دیاول رہا ہے. عبدالغفار سر کی والدہ کا اسم گرامی عائشہ بھی عبدالرزاق تھا. آپ کی والدہ کا تعلق نہاوی سے ہے. ماں باپ کے ایسے اخلاق اور پرورش کا نتیجہ ہم عبدالغفار سر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. آپ کی پرائمری تعلیم ضلع پریشد مراٹھی پرائمری اسکول نہاوی میں ہوئی. آپ نے اپنا گریجویشن ڈی این کالج بیتپور میں مکمل کیا. تعلیم کرنے کے بعد نوکری کی تلاش جاری کر دی. سرے 10 پی ڈبلیو ڈی میں وقتی کام بھی کیا. رزق خود اڑ کر پہنچتا ہے جو تقدیر کا ہو, رزق خود اڑ کر پہنچتا ہے جو تقدیر کا ہو, پر دیے ہے میرے رزاق نے ہر دانے کو. تو ہمارے عبدالغفار سر جون 1980 میں نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام
डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल में कलर के अहदे पर अपॉइंटमेंट किए गए। उस वक्त वहाँ के हेडमास्टर मरहूम सैयद फिरोज सर थे, जिन्होंने हमारी फखरुद्दीन अली अहमद उर्दू हाई स्कूल में तवील तर खिदमत अंजाम दिए और दौरान स्कूल सर्विस इस फानी दुनिया से कूच कर गए। 1985 में मोहतरम अब्दुल गफ्फार सर का तबादला ब्यावल से वरंगाव कर दिया गया। यहाँ पर भी आपने ऐसे कलर कुछ महा खिदमत अंजाम दिए। आपने ऐद कर लिया था कि मुझे टीचर बनना है और उन्होंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ब्यावल ने उन्हें बीपीएड करने की इजाज़त दे दी। आपने तालीमी साल 1986-87 में अमरावती से अपना बीपीएड की डिग्री पास कर ली और 1987 में आपको परमिशन देकर असिस्टेंट टीचर बना दिया गया। आप खास ओरिजिनली अपॉइंटमेंट जिस्मानी तालीम यानी पीटी के लिए किया गया था और आपने बच्चों को खेल के लिए तैयार भी किए। आपके दौर में तलबा मकामी तालुके जिला और सूबाई सतह तक पहुँचे और आप स्कूल के नगर जब्त के इंचार्ज भी रहे हैं। आपका टेरर ऐसा था कि गलती करने वाला तालिब इल्म खुद को सिलेंडर होकर माफ़ी मांग लिया करता था। वक्त के साथ साथ आप सीनियर होने लगे तो आपके साथ देने के लिए नूर अली सर, हबीब सर और शफीउद्दीन सर जैसे असातिज़ा का तकरूर किया गया। आपकी कौन सी फिक्र इस बात से साबित होती है कि आपका तकरूर बीपीएड पर किया गया लेकिन आपने पीटी के अलावा तलबा को हिंदी मराठी मजामीन भी पढ़ाए। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि पाची में दाखिला लेने से कबल किसी को भी हिंदी मराठी की वर्णमाला ना आती थी, लेकिन पांचवी का साल गुजरते गुजरते वो हिंदी मराठी पढ़ने के काबिल हो जाता था। आप दसवीं जमात में भी हिंदी मराठी का ग्रेड लिया करते थे। आपकी मेहनत की वजह से एसएससी में हिंदी मराठी का रिजल्ट हमेशा 90% से ज़्यादा रहा और अक्सर औकात 100% भी हो जाया करता था। आपने एसएससी बोर्ड में मराठी मजबूर के लिए एग्जामिनर और मॉडरेटर की भी खिदमत अंजाम दी। वो चाहते थे कि मेरे बाद भी अपने स्कूल में हिंदी मराठी का रिजल्ट वैसा ही लगता रहे, तो उन्होंने नसरी मैडम को दसवीं में पढ़ाने का मौका दिया और वक्त ब वक्त नसरी मैडम की रहनुमाई करने लगी। 2 फरवरी 2008 को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने आपको प्रमोशन करते हुए स्कूल का सुपरवाइजर बना दिया। उस वक्त आप पर स्कूल की जिम्मेदारी के अलावा एक परेशानी से दोचार होना पड़ा कि आपकी वालिदा मोहतरमा की तबीयत खराब हो गई। स्कूल में आने से पहले और स्कूल छूटने के बाद आप पूरा वक्त अपने वालिदा की खिदमत में लगाया करते थे। 29 फरवरी 2008 को दसवीं जमात के तलबे का मराठी का गौरव था। आप सुबह 5:30 बजे स्कूल पहुँच गए, सवारी पर्चा तैयार किया और तलबा की बैचेज भी तैयार किए। आपने फोन करके मकामी टीचर को बुला लिया कि मेरी वालिदा की तबीयत बहुत सीरियस है, इसलिए वक्त में बदलाव किया गया है, सब बच्चों को इतला कर दो और 7 बजे तक स्कूल आने का कह दो। आपने औरत की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, तभी भुसावल से यानी आपके घर से वालिदे का इंतकाल हो गया। ऐसा फोन आ गया, एक पत्थर जैसा दिखने वाला शख्स फुट फुट कर रोने लगा, उनके होश उड़ गए, सभी उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे स्कूल के साथी रफीक भाई ने उनको मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। यहाँ ये बताने से मेरी मुराद यह है कि आप हमेशा आपको अवलियत दिया करते थे। आपने कभी भी गैर जरूरी छुट्टी नहीं ली, आपकी छुट्टियाँ यूँ ही बर्बाद हो जाया करती थी, लेकिन आपको कभी इस बात का गम ना था। अगर वक्त की पाबंदी हमने सीखने को मिली तो वह हमारे गफ्फार सर। हमने उन्हें कभी भी बेल बजने से पहले ही स्कूल में मौजूद पाया और स्कूल छुट्टी की बेल बजने के बाद ही जाते हुए देखा। आपके सुपरविजन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप तमाम स्टाफ से खुलूस से पेश आया करते थे और हमेशा स्टाफ के नफा नुकसान पर गौर फिक्र किया करते थे। हकीकतन वो हमारे एक रहनुमा थे जो स्टाफ की जायज मांगों को सदर मदरिस और मैनेजमेंट के सामने रखा करते थे। आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने फैमिली की सरपरस्ती बाखूबी अदा करने की कुव्वत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको उसकी इबादत करने वाला और उम्मत मोहम्मद की फिक्र में कोशा रहने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये शेर कहते हुए इसकी मैं रुदात को खत्म करूंगा। कहने को मुश्तगिल हूँ हस्ती की दास्ता हूँ, कहने को मुश्तगिल हूँ हस्ती की दास्ता हूँ, देखो तो कुछ नहीं हूँ समझो तो एक जगह हूँ, देखो तो कुछ नहीं हूँ समझो तो एक रास्ता हूँ। ये है हमारे अब्दुल गफ्फार सर। आइए हम आगे बढ़ाते हैं।